जी अच्छा स्टूडेंट शुरू करते हैं। 10 स्टूडेंट तो आ गए। तो हमने बात की कि हमारे पास एसिम्प्टोटिक बिहेवियर जो है वो 3 टाइप का है। एसिम्प्टोटिक बिहेवियर एसिम्प्टोटिक, ठीक है। और इसकी पहली काइंड जो है वो हमने लिख ली कि ये बिग थीटा होता है, बिग ओमेगा, बिग ओ सॉरी। दूसरा होता है बिग ओमेगा, और तीसरी टाइप जो है इसकी है वो है बिग थीटा, ठीक। और करस्पॉन्डिंगली हमने इनको नाम दिया है कुछ इस तरह से कि अगर ये बिग ओ है तो इसको हम ऑल्टरनेटिवली अपर बाउंड भी कहते हैं और इस वाले को हम लोअर बाउंड भी कहते हैं, जो हमारा कंसर्न है। इसको शायद टाइट बॉन्ड कहते हैं, मुझे कंफर्म नहीं, थीटा को देख के बता दूंगा कि टाइट बॉन्ड कहलाता है या नहीं कहलाता, ठीक है ना। तो ये बेसिकली अपर और लोअर बाउंड। अपर का मतलब मैं बता चुका हूँ लोग। अब आइए हम अपने एक सवाल की तरफ जाते हैं ताकि इस बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है, और फिर हम ये देखें कि दो बहुत स्टैंडर्ड जुमले हैं जो हमें समझने हैं। एक कहलाता है टोटल रनिंग टाइम, एक कहलाता है रनिंग टाइम, और एक होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब ये तीन जुमले जो मैंने लिखे हैं, इन तीनों को वैसे तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन बहुत ही एक्सक्लूसिव फर्क आपको बुक में नजर नहीं आएगा। तीनों एक ही बातें हैं। कोई कहता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो तो इसका मतलब अपर दोनों की बात कर रहा है वो, लेकिन फिर भी जो माइक्रो टाइप के डिफरेंसेस होते हैं ना, वो बेसिकली हमें देखना है कि इन तीनों के अंदर क्या है। या कोई कहता है रनिंग टाइम निकालो, यानी उसको उस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगता है, तो हम इसका मैथमेटिकल वैल्यू निकालेंगे और हम इसकी कंप्यूटराइज मेथड पे नहीं जाएंगे। इसी तरह रनिंग टाइम एक ही बात है, टोटल रनिंग टाइम, रनिंग टाइम इज नॉट टू मच डिफरेंट इन बिटवीन, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इन तीनों को समझने के लिए तो हमारे पास ये तीन तो खैर प्रेजेंटेशन का तरीका है, आप किस बिहेवियर से उसको शो करते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बिहेवियर जो है वो है बिग ओ नोटेशन, क्योंकि आप कभी भी किसी को अगर कंपेयर करते हैं ना तो अच्छाई से नहीं बल्कि बुराई से करते हैं। मेरा मेरा काम उससे बुरा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आप इस तरह अपने आप को कंपेयर करते हैं, किसी एक को बेंचमार्क बनाते हैं और कहते हैं कि अब जैसे मेरा पंखा उससे खराब नहीं चल सकता, ठीक है, मेरे बच्चे उससे खराब नहीं हो सकते, मेरा रिजल्ट उससे खराब नहीं होगा। तो ये बेसिकली इसलिए अपर बाउंड को हमेशा ज्यादातर बेंचमार्क बनाया जाता है, और अपनी आम जिंदगी में भी हम तुम्हारे आम उस ठेले वाले से अच्छे नहीं हो सकते। तो इस तरह के बेंचमार्क को हम ज्यादा बेसिकली यूज करते हैं, वो कि ये भी यूज होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि लोअर बाउंड यूज नहीं होता, लेकिन ज्यादा यूज होने वाला जो है वो अपर बाउंड है, जो कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी और एल्गोरिथम में भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इनकी बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए हमें, यानी व्हेन एवर यू वांट टू फाइंड द बिग ओ, बिग ओमेगा, बिग थीटा, तो यू नीड टू बेसिकली एनालाइज इन दिस वे, टोटल रनिंग टाइम, आइदर रनिंग टाइम, आइदर टाइम को कुछ भी कर ले, तीनों एक ही बात है, माइनर से डिफरेंस है।
अगर हम इस बेसिस पे अपनी एक एग्जांपल जो यहाँ लिखी हुई है स्लाइड नंबर 10 में उसको पिक करते हैं, मैं उसको मिटा देता हूँ ताकि मुझे नजर आ जाए पिछली स्लाइड ये थे। तो इस एग्जांपल में हम अगर इस चार लाइनें लिखी हैं, जैसे अभी शागिर साहब परेशान हो रहे थे, अभी फिर भी ये बहुत सादा से एग्जाम्पल आ गई, कोई बात नहीं, सादा से एग्जाम्पल आ गई, पहले हम इससे लेंगे फिर एक अगली वाली को लेंगे, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर मैं इसको एनालाइज करने के लिए जाऊं और एनालाइज करूं टोटल रनिंग टाइम, देखो मैंने तीन चीजें लिखवाई थी ना, तो उसमें से मैं पहले वाली चीज को भी लिख रहा हूं यहाँ पे, टोटल रनिंग रनिंग टाइम, ठीक है। मैं अभी टोटल रनिंग टाइम का मतलब ये होता है कि टू वर्क फॉर ईच लाइन इन एल्गोरिथम, ये बेसिकली इसका मकसद है कि टोटल रनिंग टाइम जब भी कोई कहे तो इसका मतलब ये होता है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप एल्गोरिथम की एक एक लाइन को जो है एनालाइज करें, टू वर्क फॉर ईच लाइन इन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम की एक एक लाइन को आप रन करें। ये काम करना टोटल रनिंग टाइम निकालना हर वक्त पॉसिबल नहीं होता, यानी मिसाल के तौर पर कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम का एल्गोरिथम होगा तो फिर हम इस मेथड को अडॉप्ट नहीं करेंगे टोटल रनिंग, बल्कि इसके दूसरे वाले मेथड को अडॉप्ट करेंगे जिसमें हम कहते हैं रनिंग टाइम, फिर हम एक एक लाइन को नहीं करेंगे। टोटल रनिंग टाइम में हमेशा, देखो मैंने एक और चीज लिखवा दी है, वो ये है कि टू वर्क फॉर ईच लाइन इन एल्गोरिथम। अब मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो मैं एक एक लाइन को एनालाइज करता हूँ, अब हम एक लाइन को एक इंस्ट्रक्शन कहेंगे, तो ये वाली लाइन जो लाइन नंबर वन है, जरा गौर से देखना, क्योंकि पहली दफा कर रहे होगा तो तुम लोग को समझना ज्यादा जरूरी होगा। लाइन नंबर वन है टाइम इज इक्वल टू जीरो, ये एक इंस्ट्रक्शन है और एक ही दफा चलेगा पूरे एल्गोरिथम में, दो दफा नहीं चलेगा, तीन दफा नहीं चलेगा, ये एल्गोरिथम पूरे ये इंस्ट्रक्शन पूरे एल्गोरिथम में सिर्फ एक दफा रन होगा, ठीक है। तो हम ये लिख देंगे कि इसके चलने की तादाद एल्गोरिथम में एक है, ये फॉर का लूप है, हालांकि इसके अंदर तीन इंस्ट्रक्शन छुपी है, लेकिन हम तीन ऑपरेशन छुपे हुए, लेकिन हम इसको एक ही इंस्ट्रक्शन कहते हैं, जो फॉर का एक इंस्ट्रक्शन है। तीन ऑपरेशन कौन कौन से हैं भाई, आपको पता होगा फॉर के अंदर तीन चीजें क्या होती है, एक असाइनमेंट होता है जैसे ए इज इक्वल टू वन लिखा हुआ है, एक कंडीशन होती है कहाँ तक चलाना है, और एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। ये तीनों ऑपरेशन है ना जो फॉर में, लेकिन हम मानते ये है कि ये एक ही ऑपरेट, ये एक ही बेसिकली इंस्ट्रक्शन है। ये कितनी दफा चलेगा भाई, अब समझना थोड़ा सा तुम्हें मुश्किल लगेगा, लेकिन शुरू में पहले दूसरा सवाल के पास समझ जाओगे, फर्स्ट टू क्वेश्चन कर लोगे तो देखो फॉर का लूप हमेशा रन होता है अपनी कंडीशन के बेसिस पे, कहाँ तक चलना है। अगर मैं लिखता हूँ आई इज इक्वल टू, फॉर का लूप में लिखूँ आई इज इक्वल टू वन से चलाओ, फिर अगर आपको सी लैंग्वेज के जा दो आई लेस देन इक्वल टू टेन तक चलाओ, ठीक है, लेस देन इक्वल और आई प्लस प्लस कर दो, ठीक है, आई प्लस अगर यूं चलाता हूँ मैं, तो आपको पता है कि ये कंडीशन चलेगी कितनी दफा, ये कंडीशन 11 टाइम्स चलेगी, क्योंकि 1 से 10 तक तो ये चलेगी इन्होंने के लिए, और 11वीं दफा ये टेस्ट जरूर होगा, टेस्ट होके फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कंडीशन फेल होने के लिए भी एक कंडीशन चेक जरूर होती है, 10 तक चलेगा और उसके बेसिस पे तो फॉर अंदर आना ही आना है, क्योंकि 10 तक तो ये ट्रू है ना, 10 तक तो ये ट्रू है, इक्वल भी लगा हुआ है, लेकिन 11वीं दफा चेक होगा और 11वीं दफा चेक होने की वजह से ये फेल हो जाएगा और अंदर नहीं आएगा। तो अगर ये एक से लेकर एन तक लिखा हुआ है तो ये टेस्ट कितनी दफा होगा, तो आप कहेंगे टेस्ट होने की जो तादाद है वो एन प्लस वन है, ठीक है, लेकिन अंदर एन टाइम्स आएगा। इसमें भी दो ऑपरेशन है लेकिन हम इसके अंदर इसको एक ही इंस्ट्रक्शन मानेंगे, तो ये ऑपरेशन जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन है, ये जो इंस्ट्रक्शन है वो कितनी दफा चलेगा, ये तो आप कहेंगे कि क्योंकि फॉर का लूप एन तक चल रहा है तो ये एन टाइम चलेगा, अब ये एन प्लस वन नहीं चलेगा क्योंकि एन प्लस वन पे फेल हुआ था ये, और अंदर कितनी दफा आया, एन दफा आया, और ये एंड तो फॉर के अंदर का शामिल है तो लिहाजा ये हो गया। जब मैं उसको एड ऑन करूंगा तो ये कुछ इस तरह लिखूंगा कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एन, ठीक है, मैं उसको नोटेशन दे दिया मैंने, और वो बराबर है, अब देखो क्या लिखूंगा, वन प्लस, ठीक है, वन प्लस एन प्लस वन, ये एन प्लस वन जो बीच वाला है तो लिखाई इसमें बड़ी मुश्किल है, एन प्लस वन, ठीक है, और प्लस एन, ये हो गया समझ आ गया, विच इज इक्वल टू, जब सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, टू एन प्लस टू, टू एन प्लस टू, यानी ये फंक्शन मेरे पास टोटल, अब देखो समझ लो एल्गोरिथम को, इंटरेस्टिंग बात देखो, एल्गोरिथम को हमने अपने मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, जी सर, अगर आप थोड़ा गौर से देखें इसमें तो देखें एन का मतलब लीनियर, टू का मतलब इसका ग्रोथ, और इस वाले टू का मतलब वाई इंटरसेप्ट, यानी ये एक लीनियर फंक्शन है, यानी ये
किसी जगह टू से कट करके इस तरह ग्रो कर जाएगा। मुझे नहीं पता एक्चुअल क्या होगा, लेकिन मैं एक अंदाजे से बना दिया ये इस तरह ग्रो कर जाएगा। यानी हमारा ये वाले एल्गोरिथम की ग्रोथ जो है वो कुछ इस तरह की है, समझ आई बात है, लीनियर है ग्रोथ इस तरह की। तो हमने अपने एल्गो को एनालाइज किया, जो कि टोटल रनिंग टाइम के बेसिस पे किया है। इस वक्त हमने टोटल रनिंग टाइम के बेसिस पे एनालाइज करके एक एक लाइन को एनालाइज किया, और उसके बाद इसका मैथमेटिकल फंक्शन निकाल दिया 2n+2। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, आसान था कि पहली लाइन वन एक दफा चलेगी, ये वाली लाइन n+1 टाइम चलेगी, और ये वाली लाइन n। लेकिन हर दफा इतना आसान नहीं होगा, हर दफा इतनी आसानी से हमें एनालाइज करना मैं वो नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ये जो आंसर आया, मैं इसको मिटाता हूँ ताकि इसको सही तरीके से लिख सकूँ, ये वाली चीज़ें मिलनी चाहिए। हमारे एल्गोरिथम का ये जो आंसर आया है, ये जो मैंने येलो बॉक्स में बन किया है, ये कहलाता है टोटल रनिंग टाइम। ठीक है, टोटल रनिंग टाइम ये हो गया हमारे पास एल्गोरिथम का टोटल। ये जो अब या तो आपने टोटल रनिंग टाइम निकालना है या रनिंग टाइम निकालना है, टोटल हटा दें तो रनिंग टाइम निकालना। तो इस वक्त हमने टोटल, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी अपर बाउंड या लोअर बाउंड क्या होता है भाई? तो याद रखना, हम ये कहते हैं कि इसके अंदर जो हायर पावर होती है वो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो अगर मैं लिखूं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हम कहेंगे, अगर बिग ओ में शो करें तो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ एन क्यों हो जाएगा, एन स्मॉल में ऑर्डर ऑफ एन क्यों हो जाएगा भाई? ऑर्डर ऑफ एन इसलिए होगा, अच्छा पहले उससे पहले मैं टोटल टाइम की बात करूं, फिर मैं कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आता हूं। पहले मैं टोटल रनिंग टाइम को समझाऊं मजीद थोड़ा सा और। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम एन की वैल्यू 10 दोगे तो इस एल्गोरिथम में टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होंगी वो होंगी 2 × 10+2। 2 × 10 मतलब 20+2 = 22, 22 दफा होंगी। यानी अगर तुम इसमें इसको 10 इनपुट दोगे डेटा का, तो ये 22 दफा जो है वो एग्जीक्यूट होंगी इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर 22 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी अगर 10 दोगे तो। सही बात समझा रहे, अगर 10 दोगे तो। और अगर इसको 10 की जगह 20 दोगे, 20 ये 22 है, अगर 20 दोगे तो फॉर्मूले से निकाल लोगे, अब तुम बार बार यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, फॉर्मूला बना लिया तुमने मैथमेटिक्स का, तो 42 दफा ये रन होगा। यानी ये जो लाइन है ये 42 दफा जो है एग्जीक्यूट होगी इसके अंदर की इंस्ट्रक्शन। और अगर 20 की जगह 30 दे दोगे, 30 का मतलब ये हुआ 62 दफा जो है, यानी 20-20 का डिफरेंस जो है वो आपको, पहले तो आपको नजर आया 10 का डिफरेंस, फिर आपको 20 का डिफरेंस, अभी भी 10 का डिफरेंस है, लेकिन सॉरी 10 पे आया 22 और 20 पे आया 42। ठीक है, अब आ रहा है 62। देख लो बिहेवियर, तो इस तरह से ये बेसिकली 20-20 के डिफरेंस से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर, और इस तरह से लाइन ग्रो करनी शुरू कर जाएगी। अब ये तो हो गया कि हमने एक फॉर्मूला बना लिया जिससे हमें ये पता चल जाता है कि मैं जो डेटा प्रोवाइड करूंगा, ये जो डेटा है, जो डेटा प्रोवाइड करूंगा, इसके बेसिस पे कितनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है। ठीक है, टाइम ये है आपके पास इंस्ट्रक्शन INS। ठीक है, इतनी इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट। और अब ये किस, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो याद रखना जो इसकी, इसका बिहेवियर बनाने वाला चीज होता है, जो इसकी शक्ल बनाने वाली चीज होती है, वो इसका बेसिकली, यानी मेरे, अभी गौर सुनना, मेरा एल्गोरिथम जो है वो लीनियर, इसको कहते हैं लीनियर, लीनियर कैटेगरी में बिलोंग करता है। ये कौन सी कैटेगरी है आपकी, लीनियर। लीनियर इसलिए कि इसमें कोई पावर नहीं है, लीनियर कैटेगरी में बिलोंग करता है। तो इसका अपर बाउंड, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम इसका अपर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फंक्शन जो है, गौर सुनना क्या कह रहा हूँ, हमारा फंक्शन जो है वो लीनियर कैटेगरी से बुरा नहीं हो सकता। यानी इस एल्गोरिथम को एनालाइज करें तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। हमारा एल्गोरिथम जो है उसका अपर बाउंड जो है वो लीनियर होगा। यानी हमारा एल्गोरिथम लीनियर, इस जुमले को जो ये मैं पढ़ रहा हूँ ना, इसको समझने की कोशिश करना क्या जुमला में रीड कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एल्गो जो है वो बेसिकली लीनियर कैटेगरी से बुरा नहीं हो सकता। यानी लीनियर से बुरा कौन सा होता है, वो होता है क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और इस तरह। सही, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जब जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसका वेरिएबल लिखते हैं, और रनिंग टाइम में ये पूरा शामिल हो जाता है। तो रनिंग टाइम इज होल बॉक्स और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल। और ये हमें क्या बताती है कि हमारे एल्गोरिथम का अपर बाउंड जो है वो लीनियर है। यानी हमारा अगर इसका अपर बाउंड लीनियर है तो ये खुद भी तो लीनियर से बुरा नहीं होगा ना, लीनियर जैसा ही कुछ होगा, समझ आएगा नहीं। यानी मिसाल के तौर पर ये 2n है, तो मैं मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ 3n+5, ये इसका अपर बाउंड हो सकता है। तो ये खुद भी जो है किस फॉर्मेट में होगा, लीनियर होगा।
यानी अगर हमारा एल्गोरिथम यू जा रहा है तो उसका अपर बाउंड कहीं यू पे इस तरह का होगा, समझ में? तो वो भी लिख, तो हमारा एल्गोरिथम जो है वो लीनियर कैटेगरी से बुरा नहीं हो सकता, यहाँ पे ये बात बताई जा रही है। और ये इसका टोटल रनिंग टाइम है, ये टाइम। अब इंटरेस्टिंग बात ये मैं तुम्हें जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि क्या ये जो हमारे पास एल्गोरिथम का रनिंग टाइम लीनियर आया है ये अच्छा है, बुरा है, मीडियम है, क्या है ये? मतलब इसको मैं अच्छा कहूँ, बुरा कहूँ, क्या कहूँ उसको मैं? मतलब कैसे पता चलेगा ये अच्छाई की तरफ जाता है या ये लीनियर कैटेगरी अच्छी नहीं होती है, क्या होती है? यानी लीनियर कैटेगरी का ग्रोथ तो हमें पता है कम होता है क्वाड्रेटिक से, ये तो मैं मालूम है, लेकिन ये अच्छा होगा नहीं होगा कैसे होगा? तो हम तो कहते हैं कि देखो दो चीजें हैं, कंपेयर करने के लिए दो चीज होती है। अगर आपके पास दो एल्गोरिथम है तो आप एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं कि भाई इन दोनों में अच्छा कौन सा, एक का लीनियर आ गया एक का क्वाड्रेटिक आ गया, तो कहेंगे लीनियर वाला अच्छा है क्योंकि लीनियर की जो ग्रोथ है वो कम होती है, लीनियर की ग्रोथ क्या होती है, कम होती है। तो फिर आप कैसे बताएंगे कि ये अच्छा है? तो याद रखना कि एल्गोरिथम को जब हम एनालाइज करते हैं और ये जिस फैमिली में बिलोंग करते हैं वो पहले से डिसाइडेड है, यानी एल्गोरिथम इसके अलावा किसी और फैमिली में बिलोंग नहीं करेगा एनालाइज करने के बाद, समझे? कोई भी एल्गोरिथम उठाओगे वो किसी स्पेसिफिक फैमिली में बिलोंग करेगा। तो आप कहते हैं ये है, इसको एक अच्छा सा नाम दिया था, भूल रहा हूँ, मैं तो फैमिली लिख रहा हूँ लेकिन फैमिली कहते नहीं है, इसको कुछ और नाम देते, मैं भूल रहा हूँ, फैमिली ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम की फैमिली। मिसाल के तौर पे एल्गोरिथम की फैमिली की बात करें तो पहली फैमिली जो है वो है कॉन्स्टेंट रनिंग टाइम, दूसरी फैमिली है लॉग रनिंग टाइम, तीसरी फैमिली है लीनियर रनिंग टाइम, चौथी फैमिली है एन लॉग एन रनिंग टाइम, स्पेलिंग देखना, फिफ्थ रनिंग है क्वाड्रेटिक, Q2A पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल में पहला आता है एन स्क्वायर, दूसरा आता है एन क्यूब, ठीक है ना, पॉलिनोमियल इस तरह होते हैं, क्या हो गया एन क्यूब एंड सो ऑन। फिर पांचवी या सिक्स कैटेगरी है पॉलिनोमियल के बाद एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि 2 की पावर n या 3 की पावर n, अब किसी कांस्टेंट की पावर n बन गई, सॉरी। और उसके बाद सातवां आता है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब है, यहीं पे लिख देता हूँ, किसी के एनालाइज कर n फैक्टोरियल। ये कुछ फैमिली है बेटा जो कि एल्गोरिथम की प्री डिफाइंड, यानी सिक्वेंशियल ऑर्डर में सबसे अच्छी फैमिली जो है वो एल्गोरिथम की है वो कांस्टेंट रनिंग टाइम, उसको शो करते हैं ऑर्डर ऑफ वन, ठीक है। दूसरी जो है वो है लॉग, उसको शो करते हैं ऑर्डर ऑफ एल एन, एल ओ जी लॉग ऑफ एन, ठीक है। तीसरी फैमिली है आपके पास लीनियर, लीनियर को शो करते हैं जो कि हमारा अभी आया है वो है आपके पास एन, ठीक हो गया। चौथी फैमिली जो है वो है एन लॉग एन, एन लॉग एन का मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन इस कैटेगरी में आता है आपका आंसर। फिर इसी तरह पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल एंड सो ऑन, ठीक है। अभी मैं आपको कॉन्स्टेंट रनिंग टाइम भी समझाऊंगा थोड़ी देर में। इस वक्त हमारा जो आंसर आया है वो ये आया है कि हमारा एल्गोरिथम लीनियर कैटेगरी से बुरा नहीं हो सकता, यानी हमारा एल्गोरिथम का वर्स कंडीशन भी दे दिया जाए तो लीनियर से ज्यादा बुरा नहीं होगा, ठीक है ना। वर्स कंडीशन का मतलब ये होता है कि वर्स सिचुएशन में भी, बुरे से बुरे हालात में भी हमारा एल्गोरिथम लीनियर, और लीनियर तीसरी पोजीशन पे है। तीसरी पोजीशन का मतलब है कि 1 से लेकर 5 पोजीशन तक के एल्गोरिथम को बेहतर समझा जाता है, क्यूबिक तक हो तो ठीक है, इसके अलावा अगर कोई हो तो फिर उसको एक्सेप्टेबल नहीं होता, 6 और 7 वाले कैटेगरी के एल्गोरिथम एक्सेप्ट नहीं होते। तो हमारा एल्गोरिथम अगर लीनियर में आ रहा है तो इज बेस्ट, अच्छा एल्गोरिथम है, सबसे अच्छा एल्गोरिथम जो कांस्टेंट रनिंग टाइम में आए, उससे अच्छा एल्गोरिथम कांस्टेंट रनिंग टाइम हैश टेबल जो आप बनाते हो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होती है। उसके बाद लॉग कैटेगरी, बाइनरी सर्च लॉग कैटेगरी में आता है, लीनियर रनिंग टाइम लीनियर सर्च जो है आपका, एन लॉग एन मर्ज सॉर्ट क्विक सॉर्ट, पॉलिनोमियल टाइम स्क्वायर वाले में बाइनरी बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, सारे एन स्क्वायर होते हैं।
तो ये बेसिकली कुछ कैटेगरीज हैं जो कि बेसिकली हमारे, तो अगर हम कोई एल्गोरिथम बनाए तो हमें देखना होगा कि वो एल्गोरिथम तो हमने बना लिया, एल्गो तो हमने बना लिया, उसकी कैटेगरी कौन सी है, किस कैटेगरी में फॉल करता है, अच्छा है, बुरा है, नहीं है, यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इस वक्त ये जो एल्गोरिथम था उसको एनालाइज किया, तो इसकी रनिंग टाइम यानी टोटल रनिंग टाइम तो ये आ रहा है। तो नॉर्मली टोटल रनिंग टाइम तो हमारी अपनी आसानी के लिए होता है, लेकिन जो बुक वगैरह में आपको नजर आएगा वो ये नजर आएगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, यानी ये एन फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी वर्स्ट कंडीशन में भी जो यानी वो है परफॉर्मेंस है वो लीनियर है, और लीनियर एक अच्छा एल्गोरिथम है, इसका मतलब ये एक अच्छा एल्गोरिथम है। ठीक है, ये कॉपी कर लेना या इसकी तस्वीर ले लेना ताकि ये आपको बार बार लिखना ना पड़े। अब मैं अगर किसी दूसरे एल्गोरिथम की तरफ जाता हूँ, मिसाल के तौर पे ये तो अभी जो मैंने एल्गोरिथम बनाया था ना उसकी डायग्राम है ये वाली, जो लीनियर वाले कैटेगरी आ रहा था। अब आ गया आपके पास दूसरा एल्गोरिथम, ये वाला मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं अगले एल्गोरिथम को एनालाइज करता हूँ। अब मैं दोबारा से इस एल्गोरिथम को जो हमारे पास सामने दिया हुआ है इसका भी टोटल रनिंग टाइम निकालता हूँ, इसका निकालता हूँ टोटल रनिंग, अभी मैं टोटल रनिंग टाइम की बात कर, टोटल रनिंग टाइम, टोटल रनिंग टाइम का मतलब है टू एनालाइज ईच लाइन ऑफ एल्गोरिथम, टू एनालाइज ईच लाइन ऑफ एल्गोरिथम, ठीक हो गया, ये हमारे पास जो है वो उसको एनालाइज कर। अब आइए टोटल लिखे हैं तो इसका, अब जब मैं टोटल हटा दूंगा तो फिर थोड़ा सा वर्क चेंज हो जाएगा, तो मैं जब उस पर आऊंगा तो आपको समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि जब टोटल रनिंग टाइम निकालेंगे तो हम कहेंगे ये कितनी दफा चलेगा, आप कहेंगे ये पूरे एल्गोरिथम में सिर्फ एक दफा चलेगा, ये कितनी दफा चलेगा, अब दो फॉर लूप है जरा ख्याल रखना, ये कितनी दफा चलेगा, जी सारे स्टूडेंट ये कितनी दफा चलेगा, हम बता चुके हैं कि ये एन प्लस वन टाइम चलेगा क्योंकि एक फेलियर के लिए भी चलेगा। ये कितनी दफा रन होगा, ये कितनी दफा रन होगा, ये बी बी वन से एन तक चल रहा है, आप कहेंगे एक, इसके एक वैल्यू के लिए हर दफा एन प्लस वन चलेगा, लेकिन ये वाला, हाँ जरा देखते हैं किसी ने कोई आंसर दिया तो, एन प्लस वन, हाँ ये खुद तो एन प्लस वन चलेगा लेकिन क्या एक ही दफा एन प्लस वन टाइम चलेगा, टू, एक ने कहा टू, वेरी गुड, थोड़ा थोड़ा करीब पहुंचे रहो, टू नहीं होगा, देखो इसके पहले के लिए ये एन प्लस वन चलेगा, इसके दूसरे के लिए यानी जब इस ए की वैल्यू टू होगी तो फिर एन प्लस वन चलेगा, जब इसकी वैल्यू थ्री होगी फिर एन प्लस वन चलेगा, ये तो समझ लोगे मेरे ख्याल, ये तो आसान बात है ना कि अपर लूप के हर वैल्यू के लिए ये एन प्लस वन चलेगा। अपर लूप कहां तक चल रहा है, एन तक चल रहा है, एन प्लस वन तो फेलियर है ना, वन वन को छोड़ो, एन तक चल रहा है, तो ये कितनी दफा चलेगा अपर, हाँ अरे जबरदस्त फाइज भाई, बहुत ही आला, बहुत आला, बहुत आला अब्दुल रहमान भाई, बहुत आला, कि एन जो कि ऊपर वाले का रिजल्ट है और खुद ये चल रहा है एन प्लस वन, ठीक है, यानी मैं समझाने की कोशिश करूं इस तरह से कि अगर मैं समझाने, अगर इसकी वैल्यू 10 होती, सॉरी 10 ज्यादा हो जाएगी, इसकी वैल्यू अगर 5 होती, जिनको समझ नहीं आया उनको समझाने के लिए कर रहा हूँ, फिर मिटा दूंगा उसको मैं, अगर इसकी वैल्यू 5 होती तो ये टोटल कितनी दफा चलता, नीचे बी वाला 5 दफा चलता, और क्या चीज 5 दफा चलती, एन प्लस वन जो है वो 5 दफा चलता, एन प्लस वन एक दफा चल गया, फिर एन प्लस वन दो दफा चल गया, 5 दफा क्यों चलता है, ऊपर वाला लूप 5 दफा कह रहा है, सॉरी, और एन प्लस वन 5 भी ज्यादा हो गया, 3 ही कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ पे रोक लें, और एन प्लस वन जो है वो 3 दफा चल गया, तो 3 दफा ये रन होता है अगर ये 3 लिखा हुआ होता, तो जब मैं इसको एड करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 3 एन प्लस वन अगर ये 3 दफा चल रहा है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि 3 दफा नहीं एन दफा चल रहा है, और इस n दफा के लिए ये n प्लस वन टाइम चल रहा है, तो क्या आंसर लिखूंगा, 3 को हटा के क्या लिख दूंगा, इसलिए ये n प्लस वन टाइम्स का जो लूप है वो n दफा चलेगा, ठीक है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था मैंने, ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से ही बेसिकली इसका गेम प्ले हो रहा है। तो अगर मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ, अच्छा जी, अगर मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एन एन प्लस वन चलेगा, तो ये वाली लाइन कितनी दफा चलेगी, ये वाली लाइन, ये जो लाइन लिखी हुई है, ये एक इंस्ट्रक्शन मान रहे हैं इसको, तो ये कितनी दफा चलेगी, इसमें से इसको मिटा देता हूँ, ये भी इसकी जरूरत नहीं है, इसमें से एन दफा बाहर आएगा क्योंकि एन प्लस वन तो फेलियर वाला है, इसमें से भी एन दफा बाहर आएगा, तो ये कितनी दफा चलेगा, एन इंटू एन दफा,
सही है ना, टोटल कितनी दफा रन होगा, n इंटू n टाइम्स, क्योंकि इसका n और यहाँ से अंदर जो आएगा वो n टाइम्स आएगा, फेलियर के लिए n प्लस वन लिखा था, तो ये टोटल n, n प्लस n, और ये दोनों तो खैर फॉर के लूप का एंडिंग है जो कि फॉर के लूप में शामिल होते हैं। जब उसको मैं ऐड करूंगा तो ऐड करने पे मेरे पास रिजल्ट आएगा f ऑफ n। सर ये लास्ट वाला समझ नहीं आया, ये वाला समझ नहीं आया, नंबर लाइन नंबर फोर वाला, लाइन नंबर फोर या फाइव सिक्स, फोर, ठीक है। देखो फोर, लाइन नंबर फोर देखो कितनी दफा चलेगी, ये सोच दफा नहीं, मिसाल के तौर पे यहां से एक दफा आए, यहां से एक दफा आए, ठीक है, एक यहां से एक यहां से, तो इसके एक के लिए गौर सुनना, इसके एक के लिए जो मैं बता रहा हूं सुनना, पहले वाले लूप के पहली वैल्यू के लिए ये वाला इंस्ट्रक्शन कितनी दफा चलेगा, एन दफा चलेगा, पहले वाले के लिए देखा जाए तो एन कर लेते एन दफा चलेगा, ये तो समझ में आती है बात, ये क्या, यहां से बी ए की वैल्यू अगर वन है, बिल्कुल सही लिखा तुमने, अब दोबारा वापस गया और ए की वैल्यू टू हो गया, ए की वैल्यू टू लेके नीचे आया तो कितनी दफा चलेगा ये दोबारा से, दोबारा एन दफा चलेगा ये, तो दोबारा से एन दफा चलेगा, फिर ये ऊपर गया दोबारा ए की वैल्यू थ्री लेके आया तो कितनी दफा चलेगा ये दोबारा एन दफा चलेगा, और इस तरह इसने कितनी दफा चलना है, ये चल रहा है, ये बी की वैल्यू चल रहा है, एन टाइम्स चलना है, वेरी गुड, एन टाइम्स, एन एट टाइम चलेगा, तो टोटल सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, एन जो इसकी एडिशन हो रही है, और किसको ऐड कर रहे हो, एन को ऐड कर रहे हो। अगर मैं समझाने के लिए दोबारा से इसको पांच कर देता हूं, फाइव साहब, एन की जगह फाइव कर देता हूं, तो ये पहली दफा यहां पे आएगा तो एन दफा चलेगा, फिर दोबारा अंदर आएगा तो ये वाला लूप दोबारा एन टाइम चलेगा, फिर जब ये ए की वजह से इस फॉर के लूप से दोबारा आएगा तो फिर ये एक दफा और चलेगा, फिर दोबारा आएगा तो कितनी दफा अंदर आएगा, ये पांच दफा अंदर आएगा, इसके पांच की वजह से ये पांच दफा चल रन हुआ, एन रन पांच दफा हुआ, तो टोटल कितनी दफा हो गया, फाइव एन, ठीक है ना, फाइव एन, तो हम तो कह रहे हैं कि ये फाइव नहीं है बल्कि एन है, तो एन की वजह से एन टाइम चल रहा है तो कितना हो जाएगा, एन इंटू एन, हम समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है, तो जी 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 बिल्कुल डिपेंड करेगी, एन पे डिपेंड करेगी, यही तो डेटा है, डेटा कम करोगे तो कम इंस्ट्रक्शन, डेटा ज्यादा तो यही ग्रोथ बनाएगा, डेटा बढ़ाते चले जाओगे ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी, एन की वैल्यू टू है तो अभी मैं इसका फाइनल फंक्शन लिख लू ना, फिर तुम्हें जरा आसानी हो जाएगी, फाइनल फंक्शन लिख दू जरा, तो फाइनल फंक्शन जो है वो ये आ जाएगा वन प्लस, ठीक है, एन प्लस वन, सबको ऐड कर लेंगे जो इंस्ट्रक्शन है अलग अलग, और एन इंटू एन प्लस वन, और ये प्लस है, और लास्ट में प्लस का एन स्क्वायर, एन स्क्वायर कहां से आया, ये वाला एन स्क्वायर, सबको सॉल्व कर देता हूं मैं, ये सिंपल अल्जेब्रा बन गया कि कितनी ये एल्गोरिथम टोटल रनिंग टाइम क्या देगा, तो ये इज इक्वल टू, ठीक है, सबको ऐड कर लिया मैंने, एक एक लाइन को एनालाइज किया मैंने, और एक एक लाइन कितना कितनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा एल्गोरिथम वो एनालाइज कर लिया, उस सबको ऐड कर लिया, मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ आपके साथ, चलो लिख देता हूँ, बात नहीं, एक लाइन ही लिखनी पड़ेगी ना, प्लस वन है यहाँ पे, एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन एन प्लस एन स्क्वायर, शायद समझ में आ रहा होगा तुम्हें, सिंपल अलजेब्रा है, टू एन स्क्वायर, इतफाक है कि टू की वैल्यू ज्यादा इसको सूटेबल हो गया, टू एन एन प्लस टू, कोई बात नहीं, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, टू एन ही है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एल्गोरिथम जो है उसका टोटल रनिंग टाइम ये है। अब समझने की बात है, अगर मैं एन को पांच प्रोवाइड करता हूं तो यकीनन ये वाला एन भी पांच प्रोवाइड किया गया होगा, एन की वैल्यू फाइव, तो टोटल कितनी दफा चलेगा ये देखना, तो यहां से बता रहा है, ये बता रहा है कि मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि फाइव का स्क्वायर 25, 25 इंटू टू 50, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 2 62, अगर मैं इसको पांच प्रोवाइड करूंगा तो पूरा एल्गोरिथम जो है वो 62 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, यानी अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आसान है, पांच डेटा प्रोवाइड करूंगा सिर्फ और इंस्ट्रक्शन 62 दफा एग्जीक्यूट होंगी, यानी यहाँ कहीं पे,
और अगर मैं इसको 5 की जगह 10 कर दूं तो फिर क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100 दूनी 200, 200 प्लस 20 220, 220 और 2 222, यानी अगर मैं इसको सिर्फ 5 डेटा बढ़ा दूं तो इसकी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो कि 222 है, 62 से 222 हो जाएगी। अगर आप देखें तो ये एक एक्सपोनेंशियल तरीके से इस तरह आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब ये स्क्वायर होने की वजह से इसका शेप जो है वो क्वाड्रेटिक होगा, इसकी ग्रोथ जो है वो 2 होगी, ठीक है, और ये इसका कांस्टेंट होगा कि इसकी फ्लक्चुएशन इससे डिजाइन होगी। समझ आ रही बात है? और ये तो ये जो चीज मैंने लिखी निकाली है, ये वाली चीज, ये बार बार तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये रनिंग टाइम है, ठीक है, ये क्या चीज है, ये रनिंग टाइम। अब अगर हम कहें कि इसकी फैमिली कौन सी है, यानी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो आप कहोगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। एन स्क्वायर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी हाई पावर स्क्वायर है, इसकी ग्रोथ इसी की वजह से बन रही है, इसकी ग्रोथ का मतलब है इसकी शक्ल इसी वजह से बन रही है, तो ये फैमिली। अब इसको मैं पढ़ूंगा कैसे, इसको पढ़ूंगा कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, कि हमारा जो एल्गोरिथम अभी हमने एनालाइज किया है, ये जो हमने एनालाइज किया ये वाला एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम का जो वर्स यानी अपर, दूसरे लफ्जों में अपर बाउंड वो एन स्क्वायर है, और हमारा एल्गोरिथम इससे बुरा नहीं हो सकता, यानी क्वाड्रेटिक से बुरा नहीं होगा। कुछ भी दे दो उसको, 1000 दे दो डेटा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक कैटेगरी से बुरा नहीं होगा। तो मैंने सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखवा दिया था ना, तो ये फिफ्थ पोजीशन पे है, बहुत अच्छा एल्गोरिथम तो नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्यूबिक अच्छे एल्गोरिथम मतलब एक्सेप्टेबल होते हैं लेकिन अच्छे नहीं होते, इससे बेहतर एल्गोरिथम 5 ऊपर मौजूद है, क्योंकि ये खुद 6 पोजीशन पे स्टैंड, फिफ्थ पोजीशन पे स्टैंड करता है, इससे अच्छे 4 एल्गोरिथम ऊपर मौजूद है। तो लिहाजा इस वक्त हमारा एल्गोरिथम जो है वो एन स्क्वायर कैटेगरी से बुरा नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो ये एन स्क्वायर से बुरा नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको बेसिकली एनालाइज करते हैं। अब आइए एक और मैं बात आपको बताऊं इंटरेस्टिंग, जो कि हमारे लिए बड़ा पेनफुल है और आपको थोड़ा सा मुश्किल तो होगा यहाँ पे, लेकिन मैं समझाना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि अब इसके डायग्राम भी इन्होंने दी हुई है, इसको बता के मैं अगर अगली स्लाइड पे जाऊँ तो यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द नेक्स्ट स्लाइड। देखो ये ग्राफ है उसका, अभी जो हमने पढ़ा है ना, एफ एन इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, उसका ग्राफ ये है, ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है और बासानी हमें नजर आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली ये हम अगर डेटा इसको 5 देंगे तो इतना, और इस तरह से ये इसका रिजल्ट। अब ये जो ग्राफ है, हो सकता है कि आपको कंफ्यूज कर रहा हो, तो हम इसमें बात करते हैं एक और चीज की, वो ये है भाई कि मैं अभी आपसे सवाल भी कराऊंगा आज, आज मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, क्विज तो मैं पिछले वीक भूल गया था, इस वीक क्विज भी दूंगा, असाइनमेंट भी दूंगा, असाइनमेंट एक वीक का होगा, क्विज एक दिन का होगा। अच्छा, मैं बात करता हूं अब रनिंग टाइम की, ठीक है, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ, वेट करो 2 मिनट में आ रहा। ठीक है, आइए हम यहाँ बात कर रहे हैं कि रनिंग टाइम, पहले मैं टोटल रनिंग टाइम कह रहा था, अब मैं आपको समझा रहा हूँ रनिंग टाइम, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़े से फंक्शन की वैल्यू में चेंज आएगा लेकिन इसकी फैमिली चेंज नहीं होगी। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि रनिंग टाइम का मतलब क्या है, तो रनिंग टाइम का मतलब है कि टू एनालाइज The basic function of algorithm,
बेसिक फंक्शन से अच्छा बेसिक इंस्ट्रक्शन ऑफ एन एल्गोरिथम। देखो थोड़ा सा फर्क आया, पहले क्या लिखा था मैंने, टू एनालाइज द ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ एल्गोरिथम, अब लिख रहा हूं टू एनालाइज द बेसिक इंस्ट्रक्शन ऑफ एल्गोरिथम, सिर्फ इतना सा फर्क आया। क्या मतलब होगा, मैं अब आपको एक एल्गोरिथम लिखता हूँ और उस बेसिस पे मैं आपको दोनों तरीकों से एनालाइज करवाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं एक एल्गोरिथम लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो लास्ट क्लास में हमने लिखा था, मिसाल के तौर पे काउंट इज इक्वल टू जीरो, जो आपको मैंने क्विज में भी दिया था, और फिर यहाँ लिखता हूँ फॉर, ठीक है, फॉर आई इज इक्वल टू, और आई इज इक्वल टू वन टू एन, फॉर जे इज इक्वल टू वन टू एन ही लिख दे चलो अभी, ठीक है, इफ ए एरे का नाम है आई और जे, जो लोकेशन हम देख रहे हैं, इज ग्रेटर देन 30, ट्रेवल्स भी कर रहे हैं और चेक भी कर रहे हैं, देन ठीक हो गया, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, ठीक, यहाँ पे कर देते हैं एंड इफ, और यहाँ कर देते हैं एंड फॉर जे, जे वाला फॉर हमने खत्म किया, और यहाँ पे लिख देते हैं एंड फॉर आई, ठीक हो गया, और यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट या राइट, क्या राइट करें काउंट, यानी ऐसे कितने, ये टू डायमेंशनल अरे, ये बिल्कुल बहुत सादा सा एल्गोरिथम मैंने लिखा, इसमें अगर हम एक एक लाइन का स्पेस दें, चलो छोड़ो नहीं देते, जी ठीक है, अगर हम इस एल्गोरिथम को देखें तो इस एल्गोरिथम में हो ये रहा है, वैसे तो आप समझ गए होंगे लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ जिनको समझ नहीं आया, सिर्फ इसमें ये हो रहा है कि आपके पास एक टू डायमेंशनल एरे और ये स्क्वायर एरे, इस वक्त हमारे पास जरूरी नहीं स्क्वायर होता लेकिन हमने इस बार स्क्वायर ले लिया और एन बाई एन ले लिया, और हमने ये कहा है कि इसके हर सेल में जाओ, हर सेल में जाओ, चेक करो कि उस सेल में वैल्यू 30 से बड़ी है या नहीं है, अगर बड़ी है तो काउंट कर लो, नहीं बड़ी है तो छोड़ दो, अगर बड़ी है तो काउंट कर लो वरना तो उसको छोड़ दो। अब अगर मैं इसको टोटल रनिंग टाइम से एनालाइज करूं, टोटल रनिंग टाइम से एनालाइज करूं तो हमारे लिए एक मुश्किल तरीन मरला होगा यहाँ पे। अब वो क्यों मसला होगा सुनने की बात है, टोटल रनिंग टाइम का मतलब एक एक लाइन को एनालाइज करो, मिसाल के तौर पे ये एक दफा रन होगा, ये एन प्लस वन टाइम्स रन होगा, ये वाला क्योंकि अपर फॉर लूप के अंदर सुपरविजन में है तो एन एन प्लस वन लूप चलेगा इसका, ये वाला जो है लाइन इफ की कंडीशन, क्योंकि हर दफा चेक तो होना ही होना है, ये लाइन जो है चेक तो होगी होगी लाजमी, हर लाजमी चेक होगी, तो ये लाइन जो है वो बेसिकली रन होगा, कितनी दफा रन होगा, एन एन टाइम्स रन होगा। अब आइए समझने की बात है, ये लाइन कितनी दफा रन होगा, ये लाइन डिपेंड करता है इफ पे, इस पे दो बातें आ जाएंगी, एक बात आ जाएगी बेस्ट केस, एक आ जाएगा वर्स्ट केस, बेस्ट केस वर्स्ट केस और एवरेज केस, पता नहीं समझ में आ रहा तुम लोग आता कहो कहां का ले गए, बेस्ट केस एवरेज वर्स्ट केस एवरेज। अब दो तीनों केसेस को मैं बारी बारी बताता हूँ, समझ में तुम्हारे आ जाएगा, ये लाइन की सिर्फ इस लाइन की एग्जीक्यूशन के ऊपर तीन केसेस जनरेट हो गए,